क्विकली एक बार कंफर्म कर लेते हैं सारे स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, तो ऑल द स्टूडेंट्स आर देयर, सिद्धार्थ, अक्षत, प्रखार, ऑल द स्टूडेंट्स आर देयर। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फिर। स्टूडेंट्स, जो नोट्स की जो रिक्वायरमेंट थोड़ी बहुत होगी अब वो पार्ट बी की क्लास में होगी, पार्ट ए में नहीं। यहाँ पे इसको कंसोलिडेट कर लेते हैं अपने डिस्कशन का, और फिर पार्ट बी से विल स्टार्ट ऑफ विद आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज ऑन पीजीपी। चलिए स्टूडेंट्स, अभी तक जो डिस्कशन मैंने आपकी कंप्लीट करवा दी है, टोटल इनकम की कंपटीशन के कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स आपने देखा था कि टोटल इनकम का जो कंपटीशन था, ये कंपटीशन में जरूरत थी हमें इनकम की, क्योंकि इनकम प्राइमरी पहला कंसेप्ट था। एक देखिए कि कितना एक सिचुएशन है कि पूरे एक्ट में आप लोगों को एक तरीके से बताया जाता है कि डिटेल मेथड दिया गया है कि किस हेड में इनकम कंप्यूट होगा, किस हेड में इनकम कंप्यूट होगा, इनकम कैसे कंप्यूट होगा ये भी बताया गया, किस हेड में कंप्यूट होगा ये एक बात होती है, दूसरी बात क्या होती है बताओ, इनकम कैसे कंप्यूट होगा ये भी काफी डिटेल तरीके से बताया गया है, ठीक है ना। लेकिन ये इनकम प्राइमरीली है क्या, ये एक बोलते ना एक डेफिनिंग साइलेंस है, तो एक साइलेंस मेंटेन रखा है पूरे एक्ट में, और इसी साइलेंस को ही चुप्पी तोड़ने का काम हमने अपने पहले दूसरे क्लास में किया है। और क्या किया था हमने यहाँ पे, इनकम का मतलब होता है एक अमाउंट जो कि अराइज होता है फ्रॉम अ डेफिनेट सोर्स, इजंट इट। तो रेवेन्यू रिसीट का हमने रूप लिया था और प्लस दी स्पेसिफाइड कैपिटल रिसीट, ये हमने पहली बात रखी थी सो फार एज द टर्म इनकम वाज कंसर्न। वो इनकम सेक्शन 5 के स्कोप में फॉल होना जरूरी है, क्योंकि वहां से स्कोप तैयार होता है, असर्टेनमेंट होगा क्या है वो टोटल इनकम जिसको इस एक्ट में चार्ज किया जाएगा, उस समय मिलेगा क्वालिफाइंग इनकम, और वही क्वालिफाइंग इनकम को आगे कंप्यूट करना है इन द मैनर लेड डाउन अंडर द एक्ट। जब कंपटीशन होगा इन द मैनर लेड डाउन अंडर द एक्ट, तो प्राइमरी कंपटीशन का पहला स्टेप है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कैसे किया जाएगा उसके प्रिंसिपल्स बताए गए थे, स्पेसिफिक चार्ज पे पहले आप फोकस करेंगे, अनकंडीशनल, कंडीशनल बेस, ये बेसिस पे आप वो अप्रोप्रिएट हेड का चुनाव करें, और फिर जो बैलेंस क्वालिफाइंग इनकम होगा उसकी चार्जिबिलिटी बनेगी। स्टूडेंट्स, किस तरीके से चार्जिबिलिटी बनेगी, इन द बैलेंस क्वालिफाइंग अमाउंट विल बी चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ द जनरल चार्जिंग सेक्शन। दीक्षु, ऋषि, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ द जनरल चार्जिंग सेक्शन ऑफ ईच एंड एवरी हेड्स ऑफ इनकम, इजंट इट। तो ये हमारा एक टेस्ट था जो कि हमने प्राइमरी रखा था इस कॉन्टेक्स्ट में, सो फार एज द क्लासिफिकेशन वॉज कंसर्न। क्लासिफिकेशन एक बार अप्रोप्रिएट हेड में हो जाए, फिर हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, उस रिस्पेक्टिव हेड में चले जाते हैं, उस रिस्पेक्टिव हेड में चले जाते हैं जहां पे क्या हो रहा है, जहां पे वो इनकम को कंप्यूट आपको करना है एज पर द रूल्स ऑफ द कंपटीशन लेड डाउन इन दैट पर्टिकुलर हेड। अब उत्सुकता काफी हो रही है आप सभी लोगों में कि पहला हेड सर शुरू कर ही देते हैं, लेकिन थोड़ा सा रुक जाइए। प्राइमरी पहले एक हम लोग इस जो हमने ये तीन चार क्लास से जो फाउंडेशन बनाया उसको एक तरीके से कंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, और फिर हेड की शुरुआत कर लेंगे। वो आपका होगा आपका सबसे प्रिय हेड पीजीबीपी, ठीक है। वैसे आप ही के बता दूं आप लोगों को, आप ही के मैं इलाके में अल्टीमेटली आ रहा हूं, तो डर तो मुझे रहना चाहिए कि आपका इलाका है पीजीबीपी का, इजंट इट। तो दहशत का माहौल तो मुझे भी होना चाहिए, क्योंकि आप तो उस इलाके के पुराने खिलाड़ी हो। तो देखते हैं प्राइम में आपने क्या गुल खिलाया था
पुराने खिलाड़ी होने के नाते पीजीवीपी में वो पोल खुलने वाला ही है, प्राइमरी कर लेंगे दो दो हाथ पीजीवीपी के हेड में, ठीक है। उसके पहले वापस से आ जाओ अल्टीमेटली जो हमारा डिस्कशन हो रहा है, तो बस कंपटीशन अब करते जा रहा है स्टूडेंट, हमें अप्रोप्रिएट हेड में हमें क्या करना है, कंपटीशन करना है। तो यहां तक मैं लिख देता हूं, अब ध्यान लेकिन रखना भाई सेक्शन चार की डिस्कशन चल रही थी पहली क्लास में, जो शुरू की थी हमने वो सेक्शन चार के बेसिस पे शुरू हुआ था डिस्कशन, और वहां पे सेक्शन चार में बताओ चार्जेबिलिटी है ऑन द टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन। तो अभी तो हेड्स ऑफ इनकम को कंप्यूट करके आपको डायरेक्टली टोटल इनकम नहीं आ रहा है, उसके अलावा भी कुछ और करना होगा, तो वो भी पर्टिकुलर पॉइंट हम लोग लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स एक बार आखिरी बार स्टूडेंट्स मैं लिखने जा रहा हूं प्राइमरी एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि इसके बाद जैसे मैंने बताया ना हेड्स ऑफ इनकम स्टार्ट हो रही है पीजीपी की, तो फिर अब ये पर्टिकुलर सफर हम तय नहीं करेंगे। तो इन दिस रिगार्ड आप भी अगर चाहो तो लिख लो फिर से, रिपीटेशन भी अगर हो जाता है सो बी इट, डजंट मैटर। तो टोटल इनकम चार्जेबिलिटी इसी पर है और उसी के कॉन्टेक्स्ट में छोड़ चलिए। इनकम रेवेन्यू रिसीट प्लस द स्पेसिफाइड कैपिटल रिसीट which falls within the scope of section 5 qualifying income और यही क्वालिफाइंग इनकम को आगे आपने क्या करना है एंड कॉम्प्यूटेशन एंड कॉम्प्यूटेशन अंडर द मैनर इन द मैनर लेट डाउन अंडर द एक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। एंड कंपटीशन इन द मैनर लेट डाउन अंडर द एक्ट, कंपटीशन किसका होगा क्वालिफाइंग इनकम का होगा, कैसे करेंगे आप वो भी आपको बताया गया था। सो कंपटीशन के कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स आपको बताया गया था स्टेप वन एंड स्टेप टू। स्टेप वन में क्लासिफिकेशन थी, तो एक समरी हो गई स्टूडेंट्स आपकी पूरे डिस्कशन की, क्लासिफिकेशन ऑफ द क्वालिफाइंग इनकम इन द अप्रोप्रिएट हेड में स्पेसिफिक चार्ज अनकंडीशनल और बी कंडीशनल और फिर जनरल चार्ज in respect of the balance qualifying income, in respect of the balance qualifying income or general charge, सारे heads का एक तरीके से हमने देखा है section 15
पर सैलरी 22 है और उस प्रॉपर्टी के लिए जो करने जाएंगे हम बाद में पार्ट बी में 28,1 फॉर PGUP 45,1 फॉर कैपिटल गेन्स 56 फॉर 56,1 ऐसा लिख दो 56,1 आईफोर्स ठीक है कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स जनरल चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ द बैलेंस क्वालिफाइंग आई डॉट आर डॉट ओ इन रिस्पेक्ट ऑफ ये एब्रीवेशन आप एग्जामिनेशन पर्पस के लिए भी लिख सकते हो उसमें कोई हर्ज नहीं है कुछ ऐसे एब्रीवेशन है जो कि स्टैंडर्ड एब्रीवेशन है ऐसा नहीं कि बहुत कुछ एब्रीवेशन आप अपने एंड पे लिख देते हो लाइक विथ इफेक्ट फ्रॉम W.E.F तो वो भी एक स्टैंडर्ड एब्रीवेशन है जो कि इस्तेमाल एग्जामिनेशन पर्पस के लिए भी किया जा सकता है ठीक चलिए QI नहीं है स्टैंडर्ड एब्रीवेशन ठीक है ये तो चीज आपको पता ही होगा ज्ञानी तो हो चलिए स्टूडेंट आगे चलते फिर यहां तक कंप्लीट कर लिया आप लोग ने ठीक है और स्टेप टू क्या करना है एक बार आपने क्लासिफाई कर दिया तो फिर बस अब किस बात की देरी चलिए कंपटीशन करें यहां पे कंपटीशन इन द मैनर सॉरी कंपटीशन एज पर द रूल्स एज पर द रूल्स लेड डाउन इन ईच हेड ऑफ इनकम ठीक है तो इनके जरा रूल्स भी हम लोग स्टूडेंट्स एक बार देख लें क्विकली इसमें सेक्शन सॉरी मैं आपको रूल्स नहीं एक रेंज बता देता हूँ हर एक हेड का एक रेंज जल्दी से हम लोग यहाँ पर लिख देंगे ताकि एक मेंटली एक ओवरव्यू रहेगा कि हाँ भाई ये सेक्शन ये सैलरी का हेड है ये यहाँ से यहाँ तक हाउस प्रॉपर्टी का हेड यहाँ से यहाँ तक PGUP IFRS सो कैपिटल गेन्स इस तरीके से सो सैलरी स्टार्टिंग अप विद सैलरी फर्स्ट ये आपका स्टूडेंट सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 17 तक ठीक है दूसरा है जो आपका स्टूडेंट हाउस प्रॉपर्टी वो आपका सेक्शन 22 से लेके सेक्शन 27 तक तीसरा आपका रहा PGUP जो कि आपका सेक्शन 28 से लेके सेक्शन 44D है कैपिटल गेन्स 45(1) से लेके 55A तक 45(1) से लेके 55A तक और फिर यहाँ पे आखिरी में आपका है IFRS जो कि 56 से लेके स्टूडेंट्स है आपका सेक्शन 59 तक 56 से लेके 59 तक तो ये आपके स्टूडेंट जब कंपटीशन करेंगे तो इन सेक्शन उस रिस्पेक्टिव हेड में तो इन सेक्शनों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी कंपटीशन आप करें क्योंकि आपको पहले तो क्लासिफाई करना है क्लासिफाई आपकी इनकम हो गई हाँ हो गई तो ठीक है फिर उस हेड में जो ये सेक्शन का जो दायरा दिया गया उस दायरे के मुताबिक आप उस हेड का इनकम कंप्यूट कर लें ठीक है अब स्टूडेंट इस कॉन्टेक्स्ट में क्या आप लोगों को इस सिचुएशन में क्या आपको टोटल इनकम आ गई है यहां तक डिड यू ऑल गॉट दिस वन टोटल इनकम क्या टोटल इनकम आपको मिल चुकी है ये इतने कंपटीशन करके क्या टोटल इनकम आपको आ गई है एंड आंसर इज नो बिल्कुल नहीं आपको कोई टोटल इनकम अभी तक आया नहीं है सो देयरफॉर स्टूडेंट्स इन दिस रिगार्ड कोई टोटल इनकम अभी तक पहुंचे नहीं हो आप तो यहां ये पूरे प्रोसेस से जो इनकम बनेगा इन फाइव हेड्स ठीक है
उसके बाद आपने क्या करना है, ये पूरे प्रोसेस से जो इनकम बनेगा, तो मैं एक रेंज लिख रहा हूँ 15 से लेके 59 तक जो भी इनकम बना, उसके बाद आपने ऐड कर देना स्टूडेंट्स आपका पसंदीदा कार्यक्रम, और वो क्या है, क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम है, ये सेक्शन शुरू होता है 60 से लेके और ये जाता है स्टूडेंट्स अप टू सेक्शन 65, 60 to 65। क्लबिंग आप करते हैं स्टूडेंट्स इस कॉन्टेक्स्ट में। अब आप बोलोगे क्लबिंग क्या है और क्यों करना पड़ता है, तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना क्लबिंग के कॉन्टेक्स्ट में एग्जैक्टली क्या गया है। क्लबिंग स्टूडेंट्स ये क्या है, अपने आप में एक स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल है। क्या मैंने कहा आपको, इट इज नथिंग बट अ स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल। नाम तो सुना होगा आपने, स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल। एक टॉपिक होगा स्टूडेंट आपके सीए फाइनल के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन कॉन्टेस्ट में, आईसीएआर ने काफी केस स्टडीज पूछी है, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, गार प्रोविजन। पहले तो आप समझ के चलो कि ये क्या है। पहले टैक्स अवॉइडेंस रूल तो क्या होता है कि बहुत सारे टेक्निक और डिवाइस एसएससी अपनाता है जिसके वजह से वो क्या करे, वो टैक्स को अवॉइड कर सके। अब ये चीज भी आपको पता होगा, लाइक फॉर एग्जांपल सिंपल आईपीसी में आपने जो भी कुछ थोड़ी बहुत सीखी है बातें, कि अगर से 10 लाख की इनकम है मेरी और मैं फिर क्या करता हूँ, स्प्लिट करवाता हूँ, मैं 5 लाख स्पाउस के नाम पे, 5 लाख मेरे नाम पे। अब होता क्या है कि जब 5-5 लाख दोनों के खाते में चला जाता है तो फिर हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, वो 5% के स्लैब में दोनों जन आ गए, और ये भी देखते हुए कि 87A का रिबेट है 12,500 का, तो दोनों को रिबेट लेने के बाद फाइनली कोई भी टैक्स पेबल नहीं आ रहा है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट से स्टूडेंट्स क्या पता चल जाता है, व्हाट एग्जैक्टली वी ऑल कम टू नो दैट बाय डूइंग दिस, ये करके स्टूडेंट्स जो फाइनल टैक्स पेबल है, टैक्स लायबिलिटी जो बनती है वो कितनी हो गई है आपकी, निल हो गई है। जो टैक्स लायबिलिटी बनी है आपकी निल हो गई है। तो ये आपने क्या तरीका ढूंढा है, टैक्स को अवॉइड करने का एक टेक्निक आपने ढूंढ रखा है। तो अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रोविजन जो कि उस टेक्निक को क्या तोड़ने की कोशिश करेगा, तो वो प्रोविजन को हम क्या कहेंगे, एंटी अवॉइडेंस रूल। एंटी अवॉइडेंस रूल क्योंकि स्पेसिफिक टेक्निक से एसएससी ने अडॉप्ट किए होगी, उसी स्पेसिफिक टेक्निक को एड्रेस करने के लिए ये स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल है। और इस वजह से आपके पास, क्योंकि देखो क्लबिंग आपने पढ़ा था याद है, सारे स्पेसिफिक केसेस थे, लाइक अगर क्या है यहां पे लिखा गया है कि फादर क्या करे, या फादर हो या फिर ये होगा यहां पे, वो अपने क्या है स्पाउस को, सॉरी इन दिस रिगार्ड वो स्पाउस को या फिर अपने डॉटर इन लॉ, सन्स वाइफ को, उनको क्या करेगा अगर वो ट्रांसफर करता है विदाउट एनी एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो आपको क्लबिंग प्रोविजन पता है, इजंट इट। बट सन्स वाइफ है ठीक है, बट अदर वे अराउंड ये कैप्चर नहीं है, मतलब वाइफ के साइड से प्राइमरी वो उनके अपने डॉटर के हस्बैंड को क्या करे, गिफ्ट करे, तो क्लबिंग प्रोविजन वहां पे एप्लीकेबल होता नहीं है। इसका मतलब मेरा शॉर्ट पॉइंट क्या है, अभी मुझे सिखाना नहीं क्लबिंग, मेरा बस शॉर्ट पॉइंट अभी फिलहाल है कि ये सारे स्पेसिफिक केसेस थे। माइनर चाइल्ड को अगर उसकी इनकम आती है तो क्लब हो जाती है, वही अगर मेजर चाइल्ड अगर हो तो भले ही प्राइमरी उसका अपना सोर्स नहीं था लेकिन तब क्या क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट किया जाएगा, एंड द आंसर इज नो। तो फादर नहीं किया है अपने मेजर चाइल्ड को, जो उसकी 18-19 इयर्स होगी उसको कुछ एक क्या कर दिया है, उसके नाम पे एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, उसको रेंट आ रहा है। अगर यही माइनर होता तो रेंटल इनकम क्लब हो जाता था इन द आंसर ऑफ द पेरेंट्स हुज इनकम इज हायर, लेकिन ये क्योंकि माइनर नहीं है इस वजह से क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होंगे। ठीक है, अब वो क्यों नहीं होंगे वो सब चीजों का मतलब नहीं है, फिलहाल मेरा मुद्दा कुछ और है बताने का ये है कि देखिए स्पेसिफिक केसेस को ही उन्होंने टारगेट किया हुआ है, और इस वजह से ये जो क्लबिंग प्रोविजन, इसको हम क्या करेंगे, कहेंगे एज अ स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल। और जैसे मैंने अभी भी कहा है कि आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेगा इस पूरे पर्टिकुलर फाइनल में, इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जिसका नाम, टॉपिक का नाम होगा जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। अब आप मुझे बता दो स्टूडेंट्स इस बात को लेके कि अगर देखो जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल है और आपके पास स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल है, इजंट इट, अगर प्राइमरी कोई एक स्पेसिफिक केस में अगर स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल को अप्लाई किया जा सकता है, वो अप्लाई हो रहा है अगर एक स्पेसिफिक केस में, इफ अ स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल
इज गेटिंग इन्वोक्ड, तो क्या उस केस में आप जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल अप्लाई करोगे? अगर किसी एक केस में सिचुएशन में स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल अप्लाई किया जा रहा है तो क्या उसमें गार प्रोविजन अप्लाई होगी? क्या लगता है स्टूडेंट आप लोगों को, गार प्रोविजन क्या उसमें अप्लाई कर लेना चाहिए? अगर सार अप्लाई हो रहा है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या गार प्रोविजन अप्लाई होगा या नहीं? एन आंसर टू दैट इज नो, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक, बिल्कुल सही ध्रुवा दीक्षु, बिल्कुल सही, क्योंकि द स्पेसिफिक विल प्रिवेल ओवर द जनरल, स्पेसिफिक विल प्रिवेल ओवर द जनरल। कुछ एकादा केस हम जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल के टॉपिक में भी देखेंगे जहां पे दोनों गार और सार को एग्जिस्ट हो सकते हैं। आप बोलोगे भाई वो कौन सा केस है, सब चीज के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बस अभी हम ब्रॉडर मैक्रो प्रिंसिपल लेना चाह रहा हूं आप क्यों स्टूडेंट्स ये जानना जरूरी है आपको, क्योंकि अगर क्लबिंग प्रोविजन आता भी है तो आप लिखो सेक्शन 64 स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल, इस तरीके से आप जिसको रेफर करें, थोड़ा सा निखर के आएगा अपने आंसर्स की प्रेजेंटेशन। बताएं तो एग्जामिनर को कि पता है भी हमें ये प्रोविजन जो लाया गया वो एक एंटी अवॉइडेंस रूल है, एक टेक्निक है टैक्स को अवॉइड करने की, जो एसएससी अडॉप्ट करना चाहता है उसी टेक्निक को तोड़ने के लिए ये सार प्रोविजन डाले गए हैं इन द फॉर्म ऑफ सेक्शन 62 सेक्शन 65। ठीक है, तो ये क्लबिंग प्रोविजन है। और अब आप नोटिस करना स्टूडेंट, ध्यान से सुनो इस बात को भी, ये आपने नोटिस किया होगा स्टूडेंट्स यहां पे बिल्कुल सुभजीत रॉय जनरेलिया स्पेशली बस नॉन डेरोगेंट, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, जनरेलिया स्पेशली बस नॉन डेरोगेंट, ये आपको करवाया भी गया था। देखो कुछ स्टूडेंट्स को ये चीज याद भी रह गया है, और यही दिनों के लिए तो अल्टीमेटली कोई चीजें सिखाई जाती है कि भाई अप्लाई करना सीखें। तो देखिए एकदम तरीके से टेक्निकल ग्रीक, ये पर्टिकुलर लैटिन पर्टिकुलर है, टर्म को अपनाना है आपने, जनरेलिया स्पेशलिबस नॉन डेरोगेंट। अब स्टूडेंट्स यहां पे आपने नोटिस किया होगा ये क्लबिंग प्रोविजन जो था, एक चीज आपने महसूस किया ना कि क्लबिंग प्रोविजन जो अप्लाई हो रहा था वो अप्लाई हो रहा था ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ दी, किसके कॉन्टेक्स्ट में आप क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई कर रहे थे? ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म या फिर कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में आपने क्या कोई क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई की थी? याद आ रहा आपको? याद करो प्रियंका, मिलन, प्राची, कुछ याद आ रहा है आप सभी लोगों को कि कोई पार्टनरशिप फर्म के कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों ने ये किया हो क्लबिंग प्रोविजन, या कंपनी के लिए आपने किया हो क्लबिंग प्रोविजन, या कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए आपने कोई क्लबिंग प्रोविजन किया था, ऐसा कुछ आपने कुछ किया हो था? एंड आंसर इज नो। क्यों नहीं किया था? क्योंकि दो चीजें थी जो आप अप्रिशिएटिव आप कर सकते हो, वो दो चीजें क्या थी? पहला कि इनका कोई स्लैब रेट इनके पास नहीं है, सो देयर इज नो स्लैब रेट फॉर टैक्स पर्पस, ये पहली वजह है। दूसरी वजह क्या है? इनको कोई ऐसा बेसिक डिमिशन लिमिट नहीं है, सो देयर इज आल्सो नो बेसिक डिमिशन लिमिट। तो जो इनकम स्प्लिटिंग वाला जो केस होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये इंडिविजुअल एचयूएफ वालों के कैटेगरी के लिए ही होता है, और बस इसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में क्लबिंग प्रोविजन क्या है वहां पे दे दिया गया है। एक थंब रूल बताऊं स्टूडेंट्स आपको, हर उस एक्ट में जिसमें बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होंगे, उस पे आपको क्लबिंग प्रोविजन बाय डिफॉल्ट क्या है अप्लाई करना होगा। प्रोविजंस होंगे होंगे, क्योंकि उनको पता है, क्या पता है कि इस तरीके से एसएससी विल ट्राई टू अडॉप्ट सच टैक्स अवॉइडेंस मेजर, ताकि वो क्या करे अपने लेजिटिमेट टैक्स लायबिलिटी को कम कर सके, और उसी कॉन्टेक्स्ट को तोड़ने के लिए क्लबिंग प्रोविजन क्या है बाय डिफॉल्ट आ जाता है। अब क्योंकि इस एक्ट में एग्जेम्पशन लिमिट इंडिविजुअल एचयूएफ के लेवल पर है, इस वजह से क्लबिंग प्रोविजन भी उनके लिए एड्रेस किया गया है। नोटिस करना स्टूडेंट्स, जीएसटी लॉ में भी एक थ्रेशोल्ड लिमिट है, एग्जेम्पशन लिमिट है ना जीएसटी लॉ में भी, भाई यहां तक के अगर आपकी टर्नओवर होगी तो भाई आपको जीएसटी नहीं लगेगी। नो, आप जब पढ़ो ना वहां पे जीएसटी लॉ, देखना जरूर ध्यान से, वहां पर भी आपको क्या है क्लबिंग प्रोविजन मिलेगा मिलेगा, एग्रीगेट ऑफ बहुत सारे प्रीमाइसेस का टर्नओवर, इस तरीके से आप देखोगे। जब आप पढ़ोगे तब मुझे याद करना कि मैंने आपको बताया था कि जो भी एक्ट के अंदर बेसिक डिमिशन लिमिट होगा, हर उस एक्ट में क्या है क्लबिंग प्रोविजन बाय डिफॉल्ट जुड़ जाएगा। तो दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज प्राइमरी, जो कि आप लोग ध्यान रखें। तो ये नोटिस करना, सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ के लेवल पर ही गेम खेली जा रही है।
इसके बाद सेक्शन 66 से लेके स्टूडेंट 69D जो है ना, ये कोई स्पेशल प्रोविजन है। अब वो स्पेशल प्रोविजन जैसे कि बहुत सारे केस में अनडिस्क्लोज इनकम, डीम्ड इनकम, बहुत सारे केस में आएंगे, वो हम लोग एक स्पेशल टॉपिक में देखेंगे। अभी फिलहाल हम उसको टच नहीं करना चाहते उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स क्या होगा, देन देयर आफ्टर माइनस होगा जो भी अमाउंट आ जाए, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ लॉसेस। ये सिलसिला शुरू होता है स्टूडेंट सेक्शन 70 से और ये जाएगा कहां तक, सेक्शन 80 तक। सो दिस विल गो फ्रॉम 70 एंड इट विल रीच टिल सेक्शन 8080 तक। 70 से लेके 80 तक का ये पूरा सफर तय हो रहा है इस पूरे सेगमेंट में, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ लॉसेस। आप इसे एडजस्ट करके प्राइमरी ये आपको दिलाता है जीटीआई। पहली बात ध्यान रखना, ये सेट ऑफ का टॉपिक आया है क्यों, क्यों करते हो ये सेट ऑफ, ये भी एक चीज बता दूं आपको। इसका लॉजिक क्या है चैप्टर का प्राइमरी, तो समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। ये टॉपिक ऑब्वियसली ये तो पुराने इनकम टैक्स 1922 का एक्ट था, उसमें भी ये था। एक पुराना केस हुआ था 1700 का, एक घटना हुई थी। घटना क्या था, एक चीज नोटिस करना स्टूडेंट्स, सबसे बड़ा सबसे बढ़िया बिजनेस है क्या है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज अ सब बेस्ट बिजनेस। क्यों, गवर्नमेंट की बिजनेस सबसे बढ़िया होती है भाई। क्या है, मेहनत करें हम और 30% अल्टीमेटली गवर्नमेंट क्या है, टैक्स आपकी लेके जाएगी। 30% असेसमेंट ईयर में वो अपना हिस्सा लेने आ जाते हैं। तो एज सच देखा जाए तो गवर्नमेंट क्या है, इज अ नथिंग बट अ पार्टनर, पार्टनर टू योर इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जो भी हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी है, गवर्नमेंट उस इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक भागीदार है 30% का, isn't it? तो असेसमेंट ईयर में वो अपना हिस्सा लेने आ जाएंगे स्टूडेंट्स, 30% आपको देना ही पड़ेगा, एंड दैट इज द पार्टनरशिप। अब हुआ क्या कि वो एक ये केस आया था स्टूडेंट्स, यूके का था ये, जो केस जो मैं बता रहा हूँ ये यूके का है। तो वो जो ट्रेडर एक था वहां का, उसको समझ में आ गया कि गवर्नमेंट मेरे बिजनेस का एक पार्टनर है, मैं हूं और दूसरा पार्टनर कौन है, गवर्नमेंट ऑफ यूके, द क्वीन ऑफ यूके। तो वो तो किंग क्वीन का ही पूरा गेम था। तो उस कॉन्टेस्ट में उसने बोला 30% अल्टीमेटली क्वीन इज अ पार्टनर मेरे बिजनेस के। हुआ क्या इनको कि एक साल इनको लॉस हो गया। अब क्योंकि लॉस हो गया तो इन्होंने एप्लीकेशन दी, और एप्लीकेशन दिया वो क्वीन के हवाले कि भाई हम इस साल मुझे भारी नुकसान हुआ है, आप क्योंकि हमारे 30% के पार्टनर हो तो काइंडली आप क्या करें, 30% का रीइंबर्समेंट करवा दें ताकि थोड़ी सी सहूलियत मुझे मिल जाएगी। अब उनको लगेगा ये कौन बेवकूफ टाइप का आदमी आ गया, भाई रिफंड ले रहा है गवर्नमेंट से अपने नुकसान का, गवर्नमेंट ने मना कर दिया और इन्होंने अपील कर दी हाउस ऑफ लॉर्ड्स, वो यूके का कोर्ट को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के कॉन्टेस्ट में जाना जाता था। तो वहां पे ये लैंडमार्क जजमेंट, यहाँ पे क्या है लैंडमार्क जजमेंट वहां पर आया था, और उस जजमेंट के मुताबिक उन्होंने बोला कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड नेचुरल जस्टिस क्या बोलता है कि जब जिस साल प्रॉफिट हो रहा तो उस साल तो आप 30% कभी वेव करते आते नहीं है, आप बराबर 30% अपना हिस्सा लेने आते हो, तो जब लॉस आ रहा है तो आपकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो लॉस को भी आप बर्डन को शेयर करें। सो इट कैन नॉट बी अ काइंड ऑफ अ पार्टनर इन प्रॉफिट्स बट नो पार्टनरशिप इन लॉस, यू हैव टू टेक द इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी इवन एट द टाइम ऑफ लॉस टू द एक्सटेंट ऑफ योर शेयर, जो उसका शेयर कितना था 30%। और ये पर्टिकुलर जजमेंट इतना लैंडमार्क था कि जितने भी वर्ल्ड में उस समय पे ये थे तो उनको समझ में आ गया कि जजमेंट का इम्पैक्ट क्या है, क्योंकि हर पर्टिकुलर कानून, हर पर्टिकुलर कंट्री के कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और ये सब चीजें लगी थी। तो उनको समझ में आ गया कि ऐसे सारे जितने भी लॉस कर करके लोग हैं वो इनके पास एप्लीकेशन देते रहेंगे और रिफंड वहां पे खींचते रहेंगे 30-30% के हिसाब से। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई रिफंड तो आप उम्मीद करना भी नहीं, सोचना भी नहीं, सपने में भी नहीं आना चाहिए कि भाई गवर्नमेंट से आप रिफंड ले पाओ ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अब क्या करें, कॉन्स्टिट्यूशनल सबसे बड़ा लॉ होता है, उसके नीचे है ये आपका एक्ट जो कि उसके अंदर इनकम टैक्स एक्ट आप पढ़ रहे हो, तो हम ये एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट पे तो ला नहीं सकते, उसके जो कोर प्रिंसिपल्स है। और इसी वजह से उन्होंने क्या किया, ये चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया कि भाई
हम आपको रिफंड तो देंगे नहीं, उसकी उम्मीद मत करना। इतना कर सकते हैं कि जो आपको लॉस हुआ है, आप तो पहले सेट ऑफ के प्रोविजन को आजमाइए। अगर उसके बावजूद भी आपका लॉस फुल्ली सेट ऑफ नहीं होता है एज पर द कंडीशंस लेड डाउन इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, तो फिर आपको हम क्या दे रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड करने की इजाजत दे रहे हैं। सो देन यू आर अलाउड टू कैरी फॉरवर्ड योर लॉसेस। तो कैरी फॉरवर्ड करके आप क्या करें, अगले साल या फिर सब्सिक्वेंट पीरियड तक क्या करेंगे, आप उसको लॉस को सेट ऑफ कर लेंगे। तो हमें बाद में आप क्या करना, रिड्यूस इनकम पे, रिड्यूस टैक्स पे कर देना। दिस इज वॉट वी कैन गिव यू द फैसिलिटी, ताकि आपको रिफंड भी ना देना पड़े और जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप है उसका कोई भी क्या ना हो, उसके कोई भी उल्लंघन ना हो। सो दिस इज वॉट द सिचुएशन वॉज देयर स्टूडेंट। तो ये है आपका सेट ऑफ वाला टॉपिक कि क्यों ये चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है और हमें क्यों ये चैप्टर करना है। डिड यू गॉट दिस वन? अब इसके बाद हम लोग आते हैं अपने अगले चैप्टर में, वो है आपका स्टूडेंट चैप्टर 6 से। नाउ व्हाट इज दिस चैप्टर 6 से? यहां पे अब स्टूडेंट चैप्टर 6 से के अंदर एक चीज आप लोग ध्यान रखना इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चैप्टर 6 से। डिडक्शन तो आपको हेड के अंदर भी मिल रहा है और डिडक्शन ये आपको हेड के बाहर मिल रहा है। तो बहुत सारे जो सेक्शंस अभी हमने देखे थे, सोर्स में क्या है, डिडक्शन दिया जा रहा है। ये डिडक्शन किसको है? सो दिस डिडक्शन, ये जो आप दे रहे हो वो दे रहे हो आप पर्सन को। इस वजह से इसका एक अलग से चैप्टर बनाया गया है। ये जो डिडक्शन दे रहे हो स्टूडेंट्स, ये दे रहे हो आप किसको, पर्सन को, और इसी वजह से ये अलग से इसका चैप्टर बना हुआ है। तो देयरफॉर देयर आर डिडक्शंस व्हिच यू गिव इट इन द रिस्पेक्टिव हेड। तो वो सोर्स पे आपने डिडक्शन दिलवाई है, जबकि ये डिडक्शन जो आप दे रहे हो ये सोर्स पे लग के नहीं, ये डिडक्शन पर्सन पे है। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है टोटल इनकम। किसका? बिजनेस का या पर्सन का? पर्सन का। तो हम फ्रेगमेंट करते हैं हेड वाइज, सोर्स वाइज, और फिर कंसोलिडेट कर लेते हैं सो एज टू कम बैक टू व्हाट द टोटल इनकम ऑफ दैट पर्सन। तो पहले सोर्स में हम अल्टीमेट इसको फ्रेगमेंट करेंगे, उसको डिसइंटीग्रेट करेंगे, और फिर कंप्यूट करके फिर बाद में कंसोलिडेट किया जाता है ताकि टोटल इनकम तक पहुंचे और हम अपनी मंजिल पहुंचे। तो हम टोटल इनकम कंप्यूट किसका कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, सोर्स का नहीं, टोटल इनकम कंप्यूट हो रहा है आपके किसका, ऑफ अ पर्सन, इजंट इट? तो इस कॉन्टेक्स्ट में जीटीआई भी अपने आप में टोटल इनकम है। जीटीआई भी तो अपने आप में क्या है, इट इज अ टोटल इनकम। इसका सबसे सरल डेफिनेशन देखो क्या स्टूडेंट्स, इसका सबसे सरल डेफिनेशन टोटल इनकम बिफोर चैप्टर 6 से, टोटल इनकम बिफोर चैप्टर 6 से। और जो आपको ये चीज समझ में आ गई है कि टोटल इनकम जो कंप्यूट होती है, टोटल इनकम कंप्यूट होती है किसके लिए, पर्सन के लिए, ना कि किसी सोर्स के लिए। तो फिर बताओ, फिर ऐसे केस में स्टूडेंट्स चैप्टर 6 से का डिडक्शन आप किसको दे रहे हो? डिडक्शन ऑफ चैप्टर 6 से जो दिया जा रहा है, डिडक्शन दिया जा रहा है किसको, टू द पर्सन। डिडक्शन बेस्ड टू होम, टू द पर्सन, इजंट इट? तो ये सिचुएशन बनेगा इस कॉन्टेक्स्ट में। और फिर स्टूडेंट्स यहां पे डिडक्शन चैप्टर 6 से अगर देखा जाए, पूरे डिडक्शन को दो हिस्सों में आप बांट सकते हो। ये मैं एक बर्ड्स आई व्यू ले रहा हूं जो आपने किया है। पूरे डिडक्शन को दो हिस्सों में आप बांट सकते हो। आप बोलोगे वो दो हिस्सा क्या है, बता रहा हूं वो दो हिस्सा स्टूडेंट्स है आपका। एक है डिडक्शन ऑन पेमेंट, ऑन स्पेसिफाइड पेमेंट, ऑन स्पेसिफाइड पेमेंट, और दूसरा है ऑन स्पेसिफाइड इनकम। आप बोलोगे इनकम वाली कौन सी पेमेंट है सर, रॉयल्टी वॉयल्टी याद आ रहा है कि भूल गए सब चीज, कॉपरेटिव सोसाइटी ATP कुछ किया ही नहीं, ATC के बाद आगे हमारी सर गाड़ी नहीं बढ़ी, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा और आगे बढ़े थे ATD तक, वहां तक पहुंचे थे बस, वहां पर उसके बाद GST पकड़ लिया हमने, या सर्विस टैक्स वैट, पता नहीं क्या किया आप लोग ने IPCC में, isn't it? तो स्टूडेंट्स ये सिचुएशन है जो कि आप ध्यान रखेंगे
प्राइमरी, और ये डिडक्शन ले लेने के बाद ये जो चैप्टर 6A का डिडक्शन जो आपको मिल जाएगा, वो डिडक्शन अगर आपको मिल जाए फिर आपको आ जाएगा क्या आ जाएगा, टोटल इनकम। और यही है आपका प्राइमरी चार्ज अंडर सेक्शन 4, चार्ज अंडर सेक्शन 4। तो शुरू वही हुआ था, चार्ज अंडर सेक्शन 4 मतलब लेवी इसी पे हमने लगाई थी, यही तो लेवी था स्टार्टिंग के सबसे पहले ही 15 मिनट का यही था, और इसी कथौटी पे ये इतना हमें कशमकश करना पड़ेगा, कॉम्पिटिशन हमें सीखना है इस सिचुएशन को लेके। अब मैं तुरंत कुछ चीजें बस आपके सामने बस फ्रीज कर रहा हूं वंस एंड फॉर ऑल। एक चीज ध्यान रखना कि जब हम कॉम्पिटिशन करते हैं टोटल इनकम की, ये जो चार्ज है टोटल इनकम का, सो द चार्ज ऑफ टोटल इनकम, क्या हम ये एक तरीके से कह सकते हैं इट इज सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट? क्या ये कहा जा सकता है कि दिस इज सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट? एंड द आंसर इज यस। क्योंकि एक चीज नोटिस करना है यहां पे कि जो दूसरे जो प्रोविजन है, बिल्कुल बिल्कुल ATQQB ये है, शैंकी आई एम गुड, आई एम डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स यहां पे एक नोटिस करना आप लोग कि जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके टोटल इनकम को एज जो इट इज सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट, लाइक फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स अगर याद करें आप, मैंने आपको ये चीज बोला था क्या कि आपका जो एग्जेम्प्ट इनकम है, लाइक सेक्शन 10(1) एग्रीकल्चर इनकम ले लो, या अगर आपको एक जमाने तक डिविडेंड इनकम एग्जेम्प्ट हुआ करती थी, isn't it? फिर तो अब तो आपको पता ही कि मई 21 से गेम पूरा चेंज होने वाला है, तो ये जो एग्जेम्प्ट इनकम भी है तो ये आपके क्वालिफाइंग इनकम का हिस्सा तो है लेकिन इट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द टोटल इनकम। तो क्या हो जाता है, टोटल इनकम डाइल्यूट हो जाता है। तो ये आपके क्वालिफाइंग इनकम का हिस्सा तो है लेकिन इट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ योर टोटल इनकम, और इसी वजह से क्या हो जाता है, ये जो आपके टोटल इनकम है ये इसको कुछ सेक्शन क्या करते हैं, डाइल्यूट करना चालू करते हैं। तो ये आपके क्वालिफाइंग इनकम का हिस्सा है, चार्ज इसका है, लेकिन चार्ज होने के बावजूद भी क्या होता है, ये आपके टोटल इनकम का फाइनली हिस्सा नहीं होता है। सो देयरफॉर द टोटल इनकम प्राइमरी क्या है, इज मेड सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन। तो इसके वजह से दूसरे प्रोविजन क्या करते हैं, इसको ओवरराइड करना शुरू कर देते हैं और डाइल्यूट करना शुरू कर देते हैं, कम करना शुरू कर देते हैं। ये आपको एक एग्जांपल मैंने दिया। आगे स्टूडेंट जब हम नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन पढ़ेंगे, नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन की जब आप ज्ञान लोगे मॉड्यूल नंबर 4 में, वहां पर भी आप कुछ सीखेंगे स्टूडेंट्स कि एक्ट के मुताबिक क्या है, टैक्स है, लेकिन ट्रीटी गवर्नमेंट ने क्या किया है, एंटर किया है, और ट्रीटी की वजह से क्या हो रहा है, उसको अल्टीमेटली भले ही वो टोटल इनकम का हिस्सा बन जा रहा है एक्ट में, लेकिन वो ट्रीटी इंडिया ने उस दूसरे कंट्री के साथ एंटर किया, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट की ट्रीटी, जिसके तहत क्या हो रहा है, वो इनकम को फाइनली एक्ट में टैक्स नहीं किया जा सकता, द ट्रीटी ओवरराइड्स द एक्ट। ट्रीटी क्या मैंने कहा, ओवरराइड करता है एक्ट को। आप बोलोगे सर ये तो बहुत बड़े स्टेटमेंट आप दे रहे हो, नहीं अगर पकड़ में आ रहा तो चलो ठीक है, अभी मैं फिलहाल के लिए लिख दूंगा आपके लिए, ताकि जब आप मॉड्यूल 4 होने के बाद एक बार फिर से जब रिवाइज करोगे तो ये चीजें को आप अप्रिशिएट कर सकते हो। अभी जब एग्जेम्पशन तक भी रहोगे तभी भी चल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट, ये जो चार्ज है सेक्शन 4 का, ये जो टोटल इनकम है, दिस इज सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट। और प्लीज नोट करना स्टूडेंट्स एक आखिरी बात कि जो चार्ज तभी बनेगा जब टोटल इनकम उभर के आएगा, जब चार्ज तभी क्रिस्टलाइज होगा, चार्ज तभी मटेरियलाइज होगा व्हेन द इनकम इज इमर्जेस, व्हेन टोटल इनकम विल इमर्ज। और टोटल इनकम बताओ कैसे इमर्ज होगा, थ्रू द कॉम्पिटिशनल मैकेनिज्म, तब जाके आपके पास आएगा क्या, द टोटल इनकम। और वो टोटल इनकम जब इमर्ज होगा तो चार्ज उस पे लगेगा, isn't it? तो स्टूडेंट्स एक जल्दी से एक पॉइंट यहां पे लिख दो, दो इसमें मैं लिखवा देता हूं यहां पे, चार्ज ऑफ इसको ऐसा लिख देते सेलेंट फीचर, बस मैं आपको लिखवा देता हूं ऐसे दो पॉइंट सेलेंट फीचर लिखिए स्टूडेंट्स जल्द से। The charge
ऑफ सेक्शन फोर विल कम इन एग्जिस्टेंस ओनली आफ्टर द टोटल इनकम emerges. Therefore, one cannot read the charging section of the Act without the computational without the computational machinery sections under the Act. Without the computational machinery sections under the Act. Fine. Point number two, Berado, in this context. The charge of the total income is subject to the provision of this Act the provision of this Act. For example, in the following cases, the provisions will have an overriding effect over section 4 section 10 to section 13 A have the effect of exempting the income that is income which do not form part of the total income. Income which will form part of the total income which would otherwise be chargeable नेक्स्ट पॉइंट देखना स्टूडेंट दूसरा एग्जांपल सिमिलरली
सिमिलरली ये भी सेक्शन 90 में आपको रेफर कर रहा हूँ, लेकिन जैसे मैंने कहा ना ट्रीटी एक बार हो जाए ये आपको अल्टीमेटली पकड़ में आ जाएगा। सिमिलरली नोटिफिकेशन इश्यूड अंडर सेक्शन 90 टू इम्प्लीमेंट द टर्म्स ऑफ किसका DDAA। DDAA का फुल फॉर्म स्टूडेंट्स क्या है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, वुड ऑटोमेटिकली डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट वुड ऑटोमेटिकली ओवरराइड द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। In the matter of point A, chargeability, section 4, point number B, scope of total income, section 5। अभी फिलहाल लिख दो, अगर बहुत थोड़ा बहुत मैंने जो आपको बताया है अगर आपने वो पकड़ लिया होगा बस बात अपनी बन गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेक्शन 90 में नोटिफिकेशन के जरिए, सेक्शन 90 में जो नोटिफिकेशन के जरिए में क्या किया गया इसको आपने अल्टीमेटली क्या करना है, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, दिस विल बी एग्जेम्प्टेड इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, दिस विल बी एग्जेम्प्टेड इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट एज फार एज व्हाट सेक्शन 90 में ट्रीटी को प्रेफरेंस दिया जाता है एज कंपेयर टू द एक्ट। तो अगर ट्रीटी की वजह से ये टोटल ये इनकम भले ही इस एक्ट में चार्जेबल होगा लेकिन डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट ट्रीटी की वजह से क्या हो रहा है, वो एग्जेम्प्ट हो रहा है। तो एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि सेक्शन 4 को ये सेक्शन क्या कर रहा है, डायल्यूट कर रहा है। और यही वजह है स्टूडेंट अप्रिशिएट करें कि जो चार्ज है टोटल इनकम का अंडर सेक्शन 4 इज सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट इस सब्जेक्ट टू दी अदर प्रोविजन ऑफ दी एक्ट। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट है जो कि आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये आपका हो गया है अब तक का पूरा अल्टीमेटली एक बर्ड्स आई व्यू टोटल इनकम का प्रोसेस आपने सीख लिया है, क्लासिफिकेशन करके अप्रोप्रिएट हेड तक पहुंचना है, हेड में जाके उस हेड के अंदर जो भी रूल्स ऑफ कॉम्पिटिशन होंगे उसके मुताबिक आप कॉम्पिटिशन कर लें और फिर उससे बाहर निकल जाए, प्राइमरी कॉम्प्यूट करके उससे बाहर निकल जाए और उससे जो प्राइमरी हेड का जो इनकम होगा फाइनली सारे सोर्स जितने हेड होंगे उसकी टोटल आप लेंगे सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेट ऑफ वाला जो प्रोविजन है उसके मुताबिक, क्योंकि कुछ सेट ऑफ में आपको पता होगा रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। तो जब टोटलिंग कर रहे हो ना आप तो ध्यान रखना कुछ नेगेटिव इनकम जो होंगे उसको टोटलिंग में थोड़ा ख्याल रखना पड़ सकता है आपको, क्योंकि सेट ऑफ में भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आपकी आपके नजर में है। स्पेकुलेटिव लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेकुलेटिव अगेंस्ट नॉन स्पेकुलेटिव प्रॉफिट। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को भी आप दूसरे के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते हो अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो इस टाइप से आपको थोड़ा बहुत केयरफुल रहना और फिर आप अपना एग्रीगेशन ले लें, GTI तक पहुंच जाओगे, चैप्टर 6 से का डिडक्शन एंड फाइनली दी टोटल इनकम एंड दैट इज व्हाट इज सब्जेक्ट टू द चार्ज अंडर द एक्ट। I hope that all of you have now got hold with this particular point. और फिर मैंने कुछ अपना observation दे दिया। Students, बस अब ये ध्यान रखना, ये हमने पूरा levy की बात की है। ये बात जो हुई है students, levy की। ठीक है? Levy act में एक चीज होता है, taxation law में दो चीजें होती है। क्या होती है? Primarily levy and collection. Levy and collection. लेवी के साथ साथ आपने देखा कि लेवी किस पर है, टोटल इनकम का है लेवी है। उस टोटल इनकम जब तक हम कंप्यूट नहीं करेंगे, जब तक टोटल इनकम इमर्ज नहीं होगा तब तक लेवी नहीं किया जा सकता। ठीक है, चार्ज नहीं लगाया जा सकता। तो ठीक है, अब आपने चार्ज लगा दिया किस पे, टोटल इनकम पे, लेकिन टैक्स कलेक्शन जो है ये लेवी से एक डिस्टिंक्ट कंसेप्ट है। टैक्स कलेक्शन, मेरे साथ रिपीट करो, टैक्स कलेक्शन जो है वो लेवी से एक डिस्टिंक्ट कंसेप्ट है। So the concept of levy and the concept of collection are two distinct concept. दो distinct concept इसे माना जाता है, अलग भिन्न concept माने जाते हैं। अब लोग कैसे? The collection, ध्यान से सुना students, ये statement को ध्यान से सुनेंगे सारे के सारे students. The collection can go with the levy. Collection जो है tax का वो levy के साथ जा सकता है। Collection जो है
वो लेरी के बाद भी जा सकता है और जो कलेक्शन है वो लेरी के पहले भी जा सकता है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के पहले भी। ये है कलेक्शन का नियम। अब लगे ये बैठ नहीं रहा सर, कैसे नहीं बैठेगा? प्राइमरी आप नोटिस करना, लेवी है टोटल इनकम पे, ठीक है। अब उस पर जब टैक्स कलेक्शन की बात आती है तो आप इसे क्या कर रहे हैं, आप एडवांस टैक्स के रूप में भी अमाउंट कलेक्ट करवा रहे हैं एसएससी से, आप टीडीएस के रूप में भी क्या है टैक्स की कलेक्शन कर रहे हैं, और आप ऐसे टैक्स जो कि आप असेसमेंट ईयर में जब वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स की कंपटीशन करता है तो उसके हिसाब से भी क्या है कंपटीशन किया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, एडवांस टैक्स मतलब कि लेवी के पहले, टीडीएस लेवी के साथ, और टीडीएस का कंसेप्ट क्या है, पे द टैक्स एज यू अर्न, जैसे जैसे पैसे कमाए जा रहे हो टैक्स की भुगतान भी उसी तरीके से की जा रही है, ठीक है। तो एडवांस टैक्स लेवी के पहले, टीडीएस लेवी के साथ और एसेट टैक्स लेवी के बाद, ये देख रहे हो अल्टीमेटली ये है आपका दी कंसेप्ट ऑफ कलेक्शन। आप हमेशा नोटिस करना स्टूडेंट, कोई भी टैक्स लॉ में देखें ये कलेक्शन का जहां तक कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की बात होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की बात होती है। ये हमें भाई टैक्स कलेक्ट करना है वो हम देख लेंगे, हम पहले ज्यादा उससे कर लेंगे, बाद में अगर रिफंड बनता हुआ तो रिफंड दे देंगे, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस है। प्राइमरी आप बोलोगे ऐसा क्यों, क्योंकि देखो इनकम टैक्स में क्या सोचते हैं कि अगर आपके हाथ में पैसा आ चुका है स्टूडेंट्स, नॉर्मली ये लॉजिक को पकड़ के चलना, ये बहुत जगह पे लॉजिक आने वाला है, गवर्नमेंट भी उसी तरीके से सोचती है जैसे कि एक नॉर्मल एक ट्रेडर एक बिजनेसमैन सोचता है। क्या है, एक बार आपके हाथ में पैसे आ गए तो भाई ज्यादा बोलते ना कि हाथ की मैल होती है, तो ये ज्यादा टाइम तक टिकने वाली नहीं है। और कोई आपने नोटिस किया, कोई आपने 3 साल की आर्टिकलशिप तो बहुत जोश में आपने कर लिया, कभी देखा कोई एक अल्टीमेट एक ऐसा क्लाइंट जब भी उसको इनकम आता है तो 30% का वो एफडी कर देता है। अब लोग भाई एफडी किस बात की, एफडी इस बात की कि भाई असेसमेंट ईयर में उसको टैक्स भुगतान करना है, उसकी वो जवाबदारी समझता है तो वो करता है इस तरीके से काम कि वो उसको क्या करेगा, पुश करेगा इन द नेक्स्ट ईयर। ऐसा कुछ भी कोई एसएससी अपने से देखा नहीं है और ना ही देखोगे। होता क्या है, वो 100 रुपए अल्टीमेटली हाथ में है और वो पूरे पूरे 100 रुपए कुछ दिनों में ही खर्चे हो जाते हैं। और फिर होता क्या है, असेसमेंट ईयर में जब एवाई की बात आती है तो एवाई में अल्टीमेटली क्या होगा, जब आप जाते हो आर्टिकलशिप में, इसका जब रिटर्न्स जब बनाने जाते हैं तो वो पहले से बता देता आपको, भाई जो मेरी एक्चुअल टोटल इनकम है वो तो है ही है, वो तो जो भी होगा मैं जानता नहीं हूं, मैं सिर्फ 10,000 ही पे कर सकता हूं, इतना ही पैसे हैं। वैसे अब कोविड से सब लोग जूझ के अब जब थोड़ा बहुत बिजनेस करना चालू कर रहे हैं तो हालत तो खराब हो गई है, तो इस हिसाब से 10,000 का पे करने की मेरी क्षमता है। तो आप एज एन एक्सपर्ट बैठ जाते हो, ठीक है आपने टारगेट दे दिया, बस आपके टारगेट सर आंखों पे, पहले आप 10,000 का फिगर लिखते हो नीचे टैक्स अमाउंट पे करना है, फिर रिवर्स कैलकुलेशन कर करके ऊपर तक पहुंचते हो, फिर आगे क्या करना है वो आपसे बेहतर और कौन जानता है, इजंट इट। तो यही अल्टीमेटली गेम होती है और ये जानते हैं क्यों, क्योंकि तब तक उसके हाथ से पैसे चले गए हैं, टैक्स फिर पे करना एक बहुत बड़ा बोझ लगता है। तो इसी वजह से गवर्नमेंट आप में एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन डालना चाहती है, वो जानती है कि इनको फाइनेंशियल डिसिप्लिन में अगर नहीं रखे तो ये कोई भी अल्टीमेटली टैक्स एवाई में आके 1 साल के अंतराल के बाद आके अल्टीमेटली वो ईमानदारी से पैसे वो भुगतान करेगा, ये बहुत बड़ा अपने आप में क्या एक्सपेक्टेशन है। तो इस वजह से क्या है, एडवांस टैक्स के जरिए से थोड़े बहुत टैक्स वसूलना चालू करो, और टीडीएस में तो आप पे जवाबदारी नहीं, दूसरे पार्टी पे। देखिए स्कीम को, स्ट्रक्चर को पकड़िए, पहचानिए और अप्रिशिएट कीजिए कि भाई आप तो आओगे नहीं, आपसे तो एडवांस टैक्स भी पे नहीं किया जा रहा, तो एक काम करेंगे जो आपको पे करने वाला बंदा है तो वही आपको डिडक्ट करेगा, क्योंकि जवाबदारी उसकी हमने बना दी, और अगर उसने थोड़ी भी चालाकी दिखाई तो वो बन जाएगा क्या, चुन्नी बाबू। चुन्नी बाबू का मतलब क्या है, असेसी इन डिफॉल्ट, तो वो अकॉर्डिंगली बन जाएगा असेसी इन डिफॉल्ट, और फिर हम उससे क्या करेंगे, रिकवरी करवा लेंगे, रिकवरी की जवाबदारी अब उस पे। तो कौन अल्टीमेटली बोलते ना कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो वही हिसाब है कि भाई आपका अल्टीमेटली इनकम, वो पेयर बोलेगा भाई जो टीडीएस बनता वो तो मैं डिडक्ट करूंगा ही करूंगा, आपका लायबिलिटी मैं अपने सर पे लेके घूमूंगा नहीं। तो इस वजह से वो टीडीएस डिडक्ट करके अल्टीमेटली गवर्नमेंट को पे करता है, बिकॉज ही डज नॉट वॉन्ट टू बिकम एन असेसी इन डिफॉल्ट।
तो इसको स्ट्रक्चर को पकड़ने की कोशिश करना, और यहाँ पे हमें ज्यादा तकलीफ भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी ज्यादा तकलीफ? कि उस समय पे इनकम अपने हाथ में आ रहा है, इजंट इट? और पैसे जब हाथ में आ रहे हैं तो अकॉर्डिंगली उसको भी ज्यादा उतना तकलीफ नहीं होगा अल्टीमेटली। बोला ठीक है चलो इतना तो मिल गया, दिस इज वन ऑफ द वेज। और फाइनली आखिरी हिसाब किताब जो है, हिसाब किताब जो होगा वो AY में होगा, क्योंकि तब असल तरीके से आप क्या कर रहे हो, टोटल इनकम कंप्यूट कर रहे हो, उस पर जो टैक्स लायबिलिटी बनता होगा वो कैलकुलेट किया जाएगा और करस्पॉन्डिंग क्रेडिट आप लेंगे। बताओ किसका क्रेडिट लिया जाएगा? ऑफ द एडवांस टैक्स एंड द TDS व्हिच हैज बीन पेड, और फाइनली जो भी आएगा आपका ऐसे टैक्स पेबल। डिड यू ऑल गॉट दिस वन स्टूडेंट्स? और ये अल्टीमेटली आपकी कहानी कंप्लीट यहां पे हो जाती है। सो इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स आप लोग एक जस्ट नोट लिख दीजिएगा, एक बर्ड्स आई व्यू यहां पे, लेवी वर्सेस कलेक्शन। The concept of levy and the concept of collection are two distinct concepts. In the taxation law, under the income tax law, तो ऐसा लिखते हैं, एक काम करो, एक sentence बस लिख दो। The concept of collection of taxes is based on the administrative convenience the collection can therefore go with the levy, comma, the collection can follow the levy, or the collection can precede the levy. Precede the levy. तो यहां पे लेवी है हमारा इनकम पे या टोटल इनकम पे, isn't it? और हमारे पास है, बताइए क्या, तीन चीज। एक तो एडवांस टैक्स, एक है TDS और एक है SA टैक्स। इस पे मैं लिखूंगा प्रीसीड द लेवी, TDS पे लिखा रहेगा गो विद द लेवी, और फॉलो द लेवी।
फाइन स्टूडेंट, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, ये पूरा स्कीम आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और फिर बाद में आ जाता है असेसमेंट की प्रक्रिया। असेसमेंट में क्या होता है वो भी आपको आइडिया लग जाएगा। अब बताओ क्या असेसमेंट में किया जाएगा। भाई यही चीज देखी जाती है असेसमेंट में कि जो भी प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस ऑफ द कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम और द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी और द ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ टैक्स, क्या वो प्रोसेस को आपने क्या है डिस्चार्ज किया है एज पर द लॉ और नॉट, यही है असेसमेंट। और उसमें हो सकता है कि डिपार्टमेंट और एसएससी क्या है भिड़ जाए। हमने देखा है काफी केस लॉ अब तक तो देख भी लिया है इन टर्म्स ऑफ द क्लासिफिकेशन में, जहां पे उनके हिसाब से लग रहा था कि नहीं क्लासिफिकेशन यहाँ होना चाहिए, एसएससी के मुताबिक कुछ और हिट्टा, और अकॉर्डिंगली लिटिगेशन होगा। तो लिटिगेशन के कॉन्टेक्स्ट में आप चैप्टर पढ़ोगे अपील्स का, रिविजन का, रेक्टिफिकेशन के ये चैप्टर भी पढ़ेंगे आप सभी लोग, सेटलमेंट कमीशन, एडवांस रूलिंग, ये सारे चैप्टर्स हैं। एंड दैट एग्जैक्टली हाउ द एंटायर थिंग्स विल गेट फ्रीज। तो अब आप नोटिस करना स्टूडेंट्स, कभी भी नोटिस करना बिफोर यू स्टार्ट विद अ सब्जेक्ट। अगर आपने पूरा इसका क्या है वर्ड वैल्यू ले लिया ना, तो अब चीजें बहुत ही क्या है आसान हो जाती है, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर पता है कि आप क्यों कर रहे हो, द व्हाई ऑफ इट। अगर आपको ये पता है व्हाई ऑफ इट, तो क्यों आप अल्टीमेटली कर रहे हो, अगर ये पता है तो रास्ते अपने आप आसान हो जाते हैं। लेकिन पता ही नहीं कि क्यों कर रहे हैं, करना है, लॉ में लिखा हुआ है करना है, तो बस करना है। अगर यही अगर एटीट्यूड है तो फिर आपके रास्ते प्राइमरी बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगे स्टूडेंट्स। एक बार आप चल तो जाओगे, लौटोगे कैसे, रिवाइज कैसे करोगे स्टूडेंट्स, वो अल्टीमेटली आपके हालत और फिर एग्जामिनेशन का वो अप्रोच बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। दिस नाउ रैप्स अप एंटायर थिंग स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। अब आइए स्टूडेंट्स, पहला हेड है अपना लीजिए पीजीवीपी। अब जब मैंने आपको कहा था कि व्हेन वी विल स्टार्ट विद द हेड्स ऑफ इनकम, मैंने आपको एक पॉइंट क्या बताया गया था उस कॉन्ट्रीब्यूशन हेड्स ऑफ इनकम में, मैंने आपको क्या बताया था, यही चीज बताई थी कि अभी यहां पर जब कोई एक हेड्स ऑफ इनकम में मैं रहूंगा, मैं अज्यूम करके चल रहा हूं, क्या अज्यूम करके चल रहे हैं कि भाई जो क्लासिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो सब ठीक ठाक हो चुकी है। इसमें कोई ये नहीं होना चाहिए कि भाई क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन, नहीं नहीं, ये मैं पीजीपी के हेड में अगर हूं और इसमें अगर हम लोग अब डिस्कशन अब चालू कर रहे हैं, तो ये हम अज्यूम करके चलेंगे कि भाई क्लासिफिकेशन तो हमारी वो स्टेज तक बराबर हो चुकी है, तब जाके ही अंदर आ सकते हो। जब एंट्री पॉइंट में ही डिफेक्ट है, तब तो अल्टीमेटली अंदर आप कर क्या रहे हो, जब एंट्री पॉइंट में आपकी डिफेक्ट हो गई तो अंदर आप जो प्राइमरी अगर आप आ भी गए तो जो प्रोसेस से आप जो कंप्यूटर अप करने वाले हो उससे गलत अल्टीमेटली इनकम बाहर आएगा। तो ये चीज अब हमें अजम्पशन लेके चलनी पड़ेगी कि भाई जो भी हमारा हेड होगा वो हेड में हमने सही तरीके से क्लासिफाई रखते हुए इसमें हम लोगों ने अप्रोच किया है। 28(1) इज द जनरल चार्ज, मैंने आपको ये पहले भी बता दिया था। पहला सेक्शन जो है इसका जनरल चार्जिंग सेक्शन, आप सभी लोग अल्टीमेटली जनरल चार्जिंग सेक्शन ये आप लोग इसको नोट करेंगे ऑल ऑफ यू। जनरल चार्ज प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कैरीड ऑन बाय द एसएससी at any time during the previous year. जैसा सीक्वेंस मैंने दिया आप भी वैसी करोगे और उसी तरीके से मार्किंग करके quickly. Hello Jivitesh, hope you're doing good.
ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, अब आपने ये कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे मैं अभी बिजनेस एंड प्रोफेशन के कॉन्टेक्स्ट में आपसे डिस्कशन करूंगा, क्योंकि ये डिस्कशन लगभग अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। बिजनेस का तो हो चुका है, ठीक है ना। तो वो चीज अगर आपको याद हो, इसी वजह से उसको पहला पार्ट लिखा, क्योंकि इसके बाद जो डिस्कशन होगी मामला बहुत ही गंभीर हो जाएगा। तो यहां पे स्टूडेंट्स जो पड़ी हुआ पॉइंट है, तो ये वाला फर्स्ट पॉइंट पे हियर इन बिजनेस एंड प्रोफेशन, पहले तो टर्म बिजनेस है, याद करें प्राइमरी सेक्शन 2 क्लॉज 13 इस सिचुएशन में। और आप बस रेफर कर लेना, यहां पे रेफर दी केस लॉ, कौन सा केस लॉ का नाम था बताओ, ऑफ जहां पे सारी चर्चाएं हुई थी, याद आ रहा है बिजनेस का डेफिनेशन, हमने क्या अल्टीमेटली डिस्कस किया था वहां पे रह के। व्हाट वाज द डिस्कशन दैट वी ऑल हैड एज फार द टर्म बिजनेस वाज कंसर्न। बिजनेस का मतलब है ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चर एंड एनी एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चर एंड एनी एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चर। सो रेफर द केस लॉ ऑफ सुरेश चंद गोयल, ये एमपी हाईकोर्ट का जजमेंट था, इजंट इट? एमपी हाईकोर्ट का जजमेंट थी। तो अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स यहां पे जो डिस्कशन आपने किया था इस पूरे पूरे अल्टीमेटली केस में was in respect of the term business, and in that particular case we have discussed this particular thing adequately in our segment of the MPI court judgment. जो MPI court की judgment थी उस judgment के सारे ultimately पूरा का पूरा हमने discuss किया था। उसमें अगर business का crux हमने फिर क्या निकाला था, मैंने आपको बताया भी था, फिर business का फिर trade को हमने समझना जरूरी था। अगर business का अगर आपको meaning समझना है तो trade को समझना जरूरी था। तो हमने finally ये conclude किया कि business का मतलब है एक systematic activity carried out by the person by applying his skill, labor and resources with a view to earn profit thereon. Business ka matlab kya hai? Primarily a systematic activity carried on by a person by applying his skill, labor and resources with a view to earn profit thereon. Ye hota hai business. Students, ab kyunki iske andar adventure bhi hai, ye bhi humne dekha tha ki, lekin har adventure ko hum business nahi bol sakte. वही एडवेंचर को बिजनेस बोला जा सकता है, विच इज इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स एक और एक पॉइंट आपको यहां पे बताना जरूरी है, कभी भी नोटिस करना, जब हम लोग लिखते हैं ना यहां पे तो प्रॉफिट एंड गेन्स लिखा जाता है या फिर प्रॉफिट और गेन्स, ये गेन्स वर्ड आ जाता है। ये आप बोलोगे कि इसमें फर्क मैं आपको बता देता हूं, प्रॉफिट और गेन्स में फर्क है। कैपिटल गेन्स में अगर आप जाओगे तो वहां पे भी है कि गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एसेट, ठीक है ना। ये गेन्स क्या है स्टूडेंट्स, गेन्स और प्रॉफिट में डिफरेंस यही है कि गेन रिकरिंग नेचर में ट्रांजैक्शन से गेन नहीं होता, ये कोई एकलौता ट्रांजैक्शन होता है जिसमें आपको गेन हो जाता है, जबकि प्रॉफिट जो इमर्ज होती है वो रिकरिंग ट्रांजैक्शन के वजह से क्या होती है, प्रॉफिट इमर्ज होती है। कोई भी वर्ड जो इस्तेमाल किया जा रहा है उसका एक मकसद होता है, ये चीज ध्यान रखना। हम तो विदाउट होश विदाउट उसको उसके कॉग्निशंस लिए हम उसको ऐसे ही पढ़ लेते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा हर वर्ड का अपना सिग्निफिकेंस है। तो गेन उन्होंने इसके लिए लिखा हुआ है क्योंकि उनको पता है क्या कि बिजनेस में एडवेंचर है, और एकलौता भी अगर आपने एक्टिविटी किया है बट वो अपने आप में क्या, इट इज इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चर, तो वो बन जाएगा स्टूडेंट क्या बन जाएगा, इट विल देन बिकम व्हाट, अ ट्रेड, इजंट इट? तो वो अपने आप में बन जाएगा बिजनेस। सो इन दिस रिगार्ड दैट विल देन इन दिस कॉन्टेक्स्ट will become what, the business. तो स्टूडेंट इस कॉन्टेक्स्ट में आप सभी लोग, चलो वो तो बिजनेस आपने डेफिनेशन लिखा है, मैं पे आपको प्रोफेशन लिखवा देता हूं, प्रोफेशन टू क्लॉज 36, प्रोफेशन की डेफिनेशन स्टूडेंट्स टू क्लॉज 36। नाउ सो फार एज द डेफिनेशन बिल्कुल प्राची दीक्षु आपने सब ने बता दिया है, बिल्कुल सही। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अब आते हैं स्टूडेंट्स, यहां पे प्रोफेशन का डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 36, कुछ नहीं किया है बस इन्होंने लिख दिया 236 में, इट इंक्लूड्स, इट इंक्लूड्स व्हाट, इट इंक्लूड्स
वोकेशन, बस और कुछ नहीं। बहुत बढ़िया डेफिनेशन है इनका। ऐसी डेफिनेशन अगर सब चीज हुआ करे तो कितनी आसान हो जाएंगी जिंदगी, इजंट इट? प्रोफेशन इट इंक्लूड्स वोकेशन, बस यही चीज है। मतलब नहीं समझाने की उन्होंने जद्दोजहद की है, बस बता दिया कि इसके अंदर इंक्लूड होगा वोकेशन भी, एज सिंपल एज दैट। अब आप बोलोगे ये क्या समझे इसको, ये क्यों है? मैं आपको बता रहा हूँ ये वोकेशन क्या होता है। शुरू प्रोफेशन में आप समझते हो कि एक सिस्टमैटिक क्या है, एक वो भी एक एक डिग्री है, लर्निंग से आपने क्या है वो डिग्री हासिल। एक तो पहले डिग्री आप लर्निंग है, ट्रेनिंग है, फिर एग्जामिनेशन होता है और वो क्वालिफाई करके आप अल्टीमेटली आपको एक क्या है उस प्रोफेशन का एक मेंबर बनाया जाता है। और फिर प्रैक्टिस, आप सीओपी होल्ड करके क्या है आप प्रैक्टिस परस्यू कर रहे हो, आप अपना प्रोफेशन को परस्यू कर रहे हो, या अकाउंटेंसी हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग प्रोफेशन, ये सारे अल्टीमेटली इसी लिस्ट में आते हैं। और लगभग सबका अप्रोच सेम है, लर्निंग होगा प्राइमरी, आपकी ट्रेनिंग होगी, फिर एग्जामिनेशन होगा प्राइमरी, आप क्वालिफाई करेंगे, मेंबर आपको बनाया जाएगा, आप सीओपी होल्ड करके आगे परस्यू करोगे, ये होता है प्रोफेशन। हाउ अबाउट एन एक्टर? एक्टर के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? कोई ऐसा होता है कि लर्निंग होती है, ट्रेनिंग होती है, एग्जामिनेशन होता है, मेंबरशिप आपको लेनी पड़ती है, सीओपी लेके ही आप एक्टर बनोगे। क्रिकेटर, इंडिया क्रिकेट टीम में भर्ती होनी है, लर्निंग, ट्रेनिंग, एग्जामिनेशन, ये सब चीजें होती है, और ऐसा कुछ नहीं है। ये सब क्या है? सिंगर, ये सब अल्टीमेटली क्या है? दिस इज नथिंग बट अ वोकेशन। वोकेशन प्राइमरी स्टूडेंट जनरली क्या होता है, गॉड गिफ्ट, एक स्किल प्राइमरी रहता है, तो वो अपने आप में वोकेशन माना जाता है, क्योंकि उसके अंदर इस टाइप की जो फॉर्मल एजुकेशन, ट्रेनिंग, एग्जामिनेशन एंड एज बीइंग कंसीडर्ड एज अ मेंबर ऑफ इट, ये सब चीजें इसके अंदर नहीं होता है। सो इन एक्सरसाइज ऑफ देयर वोकेशन, ये अपना एक गॉड गिफ्ट है, एक स्किल है जो वो एक्सरसाइज करके क्या कर रहा है, पैसे कमा रहा है। तो प्रोफेशन के डेफिनेशन को इन्होंने थोड़ा सा एक्सपांड कर दिया, उसके अंदर वोकेशन डाल दिया, नहीं तो एक आर्ग्यूमेंट बन सकता था अबाउट द क्लासिफिकेशन, किनका? ये सारे फिल्म स्टार्स का या क्रिकेटर्स का, ये ऐसी लोगों का कि इनकी जो आमदनी है उनको किस हेड में हम क्लासिफाई करें, ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता। आप पीजीबीपी में ले जाए या फिर बोले नहीं भाई इनको आईएफओएस में ले जाओ, क्योंकि प्रोफेशन लग नहीं रहा ये, तो आप फिर ले जाते थे आईएफओएस में। और फिर इतना बड़ा इनकम को अगर प्रॉपर आप अकोमोडेट नहीं करोगे इन अ कॉम्पिटिशनल मैकेनिज्म, तो फिर ये बहुत अननेसेसरी क्या हो सकता है, टैक्स की डाइल्यूशन हो सकती थी। तो इसको एक तरीके से उन्होंने क्या कर दिया, एक हेड ही दिलवा दिया पीजीबीपी का, और वो देने का काम उन्होंने किया थ्रू द डेफिनेशन ऑफ प्रोफेशन विच इंक्लूड्स वोकेशन। तो वोकेशन में अल्टीमेटली आप लोग बस इतना ये लिख देना, टैलेंट, ये गॉड गिफ्ट, ये जो भी है टैलेंट, स्किल, नेचुरल स्किल, ये सब चीज, टैलेंट एंड नेचुरल स्किल, ये ऐसे अपने एग्जांपल में लिख दें आप। अब एक एग्जामिनेशन का अल्टीमेटली देखो क्वेश्चन आईसीएआर का मानना पड़ेगा, कितने बारीक तरीके से वो क्वेश्चन भी पूछते हैं। एक बहुत पुराना अटेम्प्ट का है क्वेश्चन, बाय द वे, ये जो है आपके जो आप जाते हो ये सत्संग में, तो आप सत्संग में जाते हो तो वहां जाके आप फिर वहां पे क्या करते हो, थोड़े पैसे आप चढ़वा देते हो, इजंट इट? वो जब सत्संग होता है तो फिर वो जो भी होगा वो अपने अल्टीमेटली सत्संग जब चलता रहता, कार्यक्रम चलता होता है, जब कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप अपने एंड से कुछ पैसे डाल के आ जाते हो, तो वो जो पैसे उनको मिल रहे हैं भाई वो किस हेड में जाएगा, कभी सोचा है इस बारे में? पैसे डाल के आ गए और फिर वो नहीं सोच रहे थे अल्टीमेट, उस समय पे आपकी दिमाग नहीं घूमी ये टैक्स कहाँ होगा, ये पैसे मिल रहे क्या ये वाकई में टैक्स होगा? एंड द आंसर इज यस। कोई बोल रहा है सर कैपिटल रिसीट, भाई किस बात का कैपिटल रिसीट, उसका तो सोर्स ही है, वो अपना वोकेशन है, हर किसी की बात नहीं है अल्टीमेट। जैसे सत्संग अल्टीमेट पब्लिक को होल्ड करके रखना, ये भी एक स्किल है, गॉड गिफ्ट है, टैलेंट है, नेचुरल स्किल बोला जा सकता है, हर किसी की बस की बात नहीं है ये चीज, और उसके लिए कोई एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन नहीं है भाई, अपना वोकेशन है जो परस्यू कर रहा है, और इन द कोर्स ऑफ द वोकेशन उसको ये पैसे मिल रहे हैं, इन द कोर्स ऑफ दिस वोकेशन उसको क्या है ये पैसे मिल रहे हैं। तो फिर बताएं वो जो पैसे आप जो दे रहे हो उनको उस समय, तो ये किस हेड में जाके क्लासिफाई होगा, पीजीबीपी, ओके, क्योंकि वो पैसा जो उनको मिल रहा है दैट इज इन द कोर्स ऑफ हिज वोकेशन देयर व्हिच इज डिफाइंड in profession, and hence what, and hence it will be classified under the head, under which head, under the head PGBP. Did you all got this one students? ठीक है, तो ये situation बनेगी इस context में, और लीजिए students यहाँ पे ये particular point यहाँ पे बना दिया गया है, so I hope that all of you have got hold with this particular point, यहाँ पे
इस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब एक और एक बात होता है स्टूडेंट, ध्यान रखना यहाँ पे बिजनेस और प्रोफेशन का के लिए हेड तो एक ही है। बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए हेड क्या एक ही है? बिल्कुल 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 चंदन, बिजनेस एंड प्रोफेशन का स्टूडेंट्स हेड तो एक ही है, ये तो आप सभी लोग मानते भी हो इस बात को। लेकिन ध्यान रखना कुछ कुछ प्रोविजंस होंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ बिजनेस वालों के लिए होगा, वहां पे प्रोफेशन काम नहीं करेगा। एक बहुत आसान जो आईपीसीसी का को थोड़ा बहुत याद होगा तो आपका है स्टूडेंट्स 44AD एंड 44ADA। AD में प्रिजम्पटिव इनकम बिजनेस का है और ADA जो है प्रिजम्पटिव इनकम किसका है? फॉर दी प्रोफेशन। तो ये जो आपको डिस्टिंक्शन बता रहा हूं ताकि कुछ प्रोविजंस हैं, भले ही दोनों का हेड तो एक है लेकिन ये नहीं है कि पूरा का पूरा होश में रहे अल्टीमेटली जब पढ़ोगे तो। इसके लिए अभी से चेतावनी दे रहा हूं एंट्री के टाइम पे ही, उसी स्टेज पे बता रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि बेहोशी का आलम अल्टीमेटली रहे और बिजनेस और प्रोफेशन को आप क्या करो, यू स्टार्ट जगलिंग इट अप। जगल नहीं करना है, जहां बिजनेस है वहां सिर्फ बिजनेस होगा, वहां प्रोफेशन का कोई काम नहीं है। इवन देयर आफ्टर ध्यान से सुनना इस बात को भी, कुछ प्रोविजंस आप एनकाउंटर करेंगे जहां पे सिर्फ और सिर्फ वो बेनिफिट एक्सटेंड किया गया किसको? बिजनेस में भी, एक स्पेसिफिक क्लास ऑफ बिजनेस को। हर बिजनेस के नसीब में वो प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। कुछ एग्जांपल अगर मुझे देना तो बता सकता हूं, 35AD तो आपने किया ही था आपने आईपीसीसी में, तो वो भी किसी एक स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए ही वो क्या प्रोविजन को बनाया गया था। हर किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए वो 35AD का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं था, ये आप जानते हो इस बात को। साथ साथ में मैंने जैसे बिजनेस के डेफिनेशन में आपको बताया इट इंक्लूड्स ट्रेड कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चर, तो बिजनेस में मैन्युफैक्चर है, ये एक अलग कैटेगरी ऑफ बिजनेस है, ठीक है ना। आपको तो पता ही होगा कि जो एडिशनल डेप्रिसिएशन का जो बेनिफिट है, जो एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट है वो किसको एक्सटेंड किया गया है? हर किसी को मिलता है, हर किसी को एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। आप बिजनेस कर रहे हो तो क्या आप अपने नए एसेट पर एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट ले पाओगे? ऋषि ने बोल दिया नहीं ले पाएंगे, नहीं ले पाओगे स्टूडेंट्स, आप एडिशनल डेप्रिसिएशन का ऐसे बेनिफिट आप नहीं ले पाओगे। हर बिजनेस को नहीं मिलता है, बिजनेस स्पेसिफिक, बिजनेस विशेष, बिजनेस स्पेसिफिक क्या? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, उसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को ही आप ये एक्सटेंड करेंगे द बेनिफिट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो थोड़ा केयरफुल रह के हमें ये हेड को पढ़ना पड़ेगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अदरवाइज 80-90% प्रोविजन सब लगभग सेम ही रहेंगे। ये कुछ थोड़े बहुत प्रोविजन है जहां पर आपको बस चेतावनी बस देना है कि वहां पे आप थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे। डिड यू ऑल गॉट दिस वन? तो मैंने आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन, क्योंकि लगभग ये डिस्कशन हमारा हो चुका था, प्रोफेशन ही बस मैंने थोड़ा सा देखा था यहाँ पे क्योंकि वोकेशन इसका था, अदरवाइज ये हमारा डिस्कशन कंप्लीट हो गया था, ठीक है। अब जब अगले पार्ट में मिलेंगे तो उसमें सबसे खतरनाक डिस्कशन होने वाला है, रेडी रहना। आप ही के इलाके में हूं मैं आपको बता रहा हूं, ये सब आप ही के तो इलाके टेरिटरी में आ चुका हूं ना मैं, एक तरीके से रेडी रहना। प्रॉफिट एंड गेन्स की चर्चा हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। सी यू देन इन द नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट।